हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्लैरियट्स फॉर्म, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्लैरियट्स फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्लैरियट्स इक्वेशंस जो होती हैं, इसके बारे में हमने इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में डिटेल में डिस्कस किया है। एंड आज की इस वीडियो में हम रिड्यूसिबल टू क्लैरियट्स फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि एक हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखी है, सॉल्व ई टू द पावर 3x ब्रैकेट स्मॉल पी माइनस 1 प्लस पी क्यूब ई टू द पावर 2y इज इक्वल्स टू 0। तो इसे हमें सबसे पहले क्लैरियट्स इक्वेशन रिड्यूस करना है। क्लैरियट्स इक्वेशन होती है इस टाइप से होती हैं, y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। जो हमारी गिवन इक्वेशन है, इसको हमें पहले क्लैरियट्स फॉर्म में रिड्यूस करना है। एंड देन जैसे हम क्लैरियट्स इक्वेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, p इज इक्वल्स टू c पुट कर देते थे, वैसे ही हमें इसमें p इज इक्वल्स टू c पुट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। बट इसे सॉल्व करने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। एंड कभी कभी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन दिए होते हैं एंड कभी कभी सब्स्टिट्यूशन नहीं भी दिए होते हैं, तो वो हमें अपने आप से सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, e टू द पावर x इज इक्वल्स टू u, एंड ये जो e टू द पावर y है इसकी जगह पे हम v पुट करेंगे। एंड ये जो e टू द पावर x है, इसे हम x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर x dx इज इक्वल्स टू du, एंड e टू द पावर y का हो जाएगा e टू द पावर y डी वाई इज इक्वल्स टू डी वी। एंड अब यहाँ से हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो ई टू द पावर वाई डी वाई को हम ई टू द पावर एक्स डी एक्स से डिवाइड कर देंगे। मतलब इस वाले जो ये वाला पूरा टर्म है, इसे हम इस वाले टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर वाई डी वाई अपॉन ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा डी वी अपॉन डी यू। एंड यहाँ से हमें डी वे अपॉन डी एक्स चाहिए, तो यहाँ पे बचेगा डी वे अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर वाई डी वी अपॉन डी यू। एंड ये जो डी वे अपॉन डी एक्स है, इसको हम पहले स्मॉल पी पुट कर चुके हैं क्लैरियट्स इक्वेशन में भी। कई बार हमने जो डी वे अपॉन डी एक्स है उसकी जगह पे स्मॉल पी पुट किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर वाई। एंड ये जो डी वी अपॉन डी एक्स है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई बनाने के लिए इसको हम कैपिटल पी पुट कर लेंगे। अगर आप ऐसे भी पी की वैल्यू पुट कर देंगे तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंड ये जो पी की वैल्यू आई है, जो स्मॉल पी की वैल्यू, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे जो हमारी इक्वेशन दे रखी थी गिवन, जहाँ पे पी है वहाँ पे हमें ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर वाई इंटू कैपिटल पी पुट कर देना है। हमारा हो जाएगा ई टू द पावर 3x ब्रैकेट ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर वाई माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस पी क्यूब है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर वाई इंटू कैपिटल पी, इसका हो जाएगा होल क्यूब इंटू में है ई टू द पावर 2y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बचेगा ई टू द पावर 3x एंड यहाँ पे बचेगा ई टू द पावर एक्स इंटू में यहाँ पे कैपिटल पी है माइनस ई टू द पावर y अपॉन में हो जाएगा ई टू द पावर y प्लस यहाँ पे बचेगा e टू द पावर 3x, ये जो ये वाला क्यूब है ये खुल जाएगा। एंड यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर 3y पी क्यूब इंटू ई टू द पावर 2y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे e टू द पावर 2y एंड यहाँ पे e टू द पावर 3y, इस वाले 2y से एक यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ से e टू द पावर y बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा e टू द पावर 3x अपॉन e टू द पावर y ब्रैकेट में e टू द पावर एक्स इंटू कैपिटल पी माइनस e टू द पावर वाई प्लस e टू द पावर 3x एंड यहाँ पे एक बचा है सिंगल e टू द पावर वाई, तो यहाँ पे बचेगा e टू द पावर वाई इंटू पी क्यूब इज इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ दोनों टर्म में e टू द पावर 3x अपॉन e टू द पावर वाई है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ से e टू द पावर 3x अपॉन e टू द पावर ey को हम कॉमन ले लेंगे दोनों स्टेप से। तो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर 3x अपॉन e टू द पावर y, यहाँ पे एक ब्रैकेट लग जाएगा e टू द पावर x इंटू कैपिटल p माइनस e टू द पावर y
प्लस पी क्यूब, पी क्यूब इज इक्वल्स टू जीरो, एंड ये वाला जो पूरा टर्म है ई टू दी पावर थ्री एक्स अपॉन ई टू दी पावर वाई ये जीरो हो जाएगा, एंड यहाँ से हमारा सिंपली बचेगा ई टू दी पावर एक्स इंटू पी माइनस ई टू दी पावर वाई प्लस पी क्यूब इज इक्वल्स टू जीरो। एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने ई टू दी पावर एक्स को यहाँ पे हमने यू पुट किया था एंड ई टू दी पावर वाई को हमने वी पुट किया था, तो वापस से हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो ई टू दी पावर एक्स की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे पी इंटू यू माइनस ई टू दी पावर वाई को वी प्लस पी क्यूब इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। एंड यहाँ से जो वी है इसको हम जीरो के इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा वी इज इक्वल्स टू पी यू प्लस पी क्यूब, एंड इसकी फॉर्म जो है वो कुछ इस टाइप से हो चुकी है, वाई इज इक्वल्स टू जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी, सॉरी यहाँ पे स्मॉल पी है, फंक्शन ऑफ पी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जहाँ जहाँ पे पी है वहाँ पे हम पी इज इक्वल्स टू, जहाँ पे हमारा पी है वहाँ पे हम पी इज इक्वल्स टू सी पुट कर देंगे, सॉरी जहाँ पे कैपिटल पी है वहाँ पे हम पी इज इक्वल्स टू सी पुट कर देंगे, ये जो ये वाली हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे हम पुट कर देंगे, पुट इन वन फर्स्ट, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा वी इज इक्वल्स टू सी इंटू यू प्लस सी क्यूब, एंड वापस से जो हमारा v एंड u की वैल्यू थी ये जो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में पुट किया था v इज इक्वल्स टू यहाँ पे e टू दी पावर y एंड u इज इक्वल्स टू e टू दी पावर x था, वो हम वापस यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा e टू दी पावर y इज इक्वल्स टू e टू दी पावर x इंटू सी प्लस सी क्यूब, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। इस टाइप से हम इक्वेशंस को क्लैरियट्स फॉर्म में रिड्यूस करके सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू है, सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर इंटू वाई। अब इसे भी हमें सॉल्व करना है क्लैरियट्स इक्वेशन में रिड्यूस करके, यहाँ पे हम पुट कर देंगे ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी जगह पे हम यहाँ पे यू पुट कर देंगे एंड ये जो हमारा स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी पुट कर देंगे, एंड सिंपली जैसे हमने पहले किया था इसे हम एक्स के रेट से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा टू एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू, एंड जब हम इसे वाई के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा टू वाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी वी। सिंपली जैसे हमने पहले किया था यहाँ से हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा टू वाई डी वाई अपॉन टू एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच जाएगा डी वी अपॉन डी यू, सॉरी ये डी वी है, एंड ये इस टू से वाला टू कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमारा बच जाएगा हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, एंड ये जो एक्स अपॉन वाई इधर आ जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, एंड इसे हम सिंपली जानते हैं कि इसमें हम स्मॉल पी पुट कर देते हैं एंड इसे हम कैपिटल पी पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारी पी की वैल्यू आ जाएगी पी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई इंटू कैपिटल पी। अब इस पी की वैल्यू को हमें ये जो हमारी गिवन इक्वेशन दे रखी है इसमें हम इस पी की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट वाई माइनस पी, स्मॉल पी की जगह पे हम पुट कर रहे हैं एक्स अपॉन वाई इंटू कैपिटल पी इंटू, एंड यहाँ पे ऑलरेडी एक्स है, ये जो यहाँ पे एक्स था पहले से, एंड यहाँ पे जो ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू स्मॉल पी का स्क्वायर, तो एक्स अपॉन वाई इंटू कैपिटल पी का होल स्क्वायर इंटू वाई, ये जो ये वाला वाई है ये वाला वाई, एंड इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कैपिटल पी अपॉन वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर खोल देंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इंटू वाई, एंड ये जो ये वाला वाई है इस वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, एंड तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, ये वाला वाई बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू पी स्क्वायर, इन दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, इधर भी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई से एक्स स्क्वायर अपॉन वाई कैंसिल, एंड यहाँ पे बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी इज इक्वल्स टू कैपिटल पी स्क्वायर, एंड यहाँ से बच जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो एक्स स्क्वायर पी वाला टर्म है इसको हम इधर भेज देंगे,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी प्लस का पी स्क्वायर। एंड यहाँ पे हमने वाई को सिंपली वाई स्क्वायर को वी पुट किया था एंड ये जो एक्स स्क्वायर है इसको यू पुट किया, तो वापस से हम यहाँ पे यू एंड वी को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वी इज इक्वल्स टू यू इंटू कैपिटल पी प्लस पी स्क्वायर। एंड यहाँ से हमारी क्लैरियट्स फॉर्म बन चुकी है जो कि इस टाइप से होते हैं, वाई इज इक्वल्स टू स्मॉल पी होता है यहाँ पे, वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी। तो यहाँ पे सिंपली इस वाली जो हमारी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे हम पी इज इक्वल्स टू जो हमारा कैपिटल पी है इसमें सी पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा वी इज इक्वल्स टू यू इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। एंड वापस से वी एंड यू की वैल्यू ये जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे पुट किया था वी इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड यू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी प्लस का सी स्क्वायर। एंड ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।